दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय फुकरा इंसान और एल्विश यादव मनीषा रानी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मनीषा रानी को लेकर अब इन दिनों दोनों को ऐसा लगने लगा है कि मनीषा एल्विश को पसंद करती है और एल्विश के लिए मनीषा के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। दरअसल जब घर के अंदर टास्क चल रहा था उस दौरान भी फुकरा इंसान ने मनीषा रानी से ये सवाल किया था कि क्या तुम एल्विश जी को लाइक करती हो, यानी कि मंचले जी को लाइक करती हो। हालांकि मनीषा ने मना किया था और कहा कि नहीं बे, हम तो केवल फ्लर्टिंग करते हैं, और उस दौरान ये बात क्लियर तरीके से नहीं हो पाई थी। और दोस्तों कुछ समय पहले बिग बॉस के लाइव फीड में मनीषा रानी के साथ में बैठे हुए फुकरा इंसान और एल्विश यादव यही सारी बातें कर रहे थे, और इस दौरान भी मनीषा रानी ने फुकरा इंसान से कहा कि तू हमारे बारे में क्या कह रहा था रे, हम मंचले जी से प्यार करते हैं, तूने ये सवाल क्यों किया। इस पर फुकरा इंसान ने कहा कि आजकल तेरे को देखकर लगता है यार कि तू प्यार करती है। लेकिन मनीषा ने कहा कि नहीं बे, ऐसा नहीं है, हम केवल फ्लर्टिंग करते हैं, हम केवल दोस्ती है और हम खुल कर कहते हैं कि फ्लर्टिंग करते हैं, और अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो हम छाती ठोक के कहते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई थी क्योंकि मनीषा घर के अंदर चली गई थी। उसके बाद में फुकरा इंसान और एल्विश यादव गार्डन एरिया में अकेले बैठकर भी मनीषा के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा सच में प्यार करती है। और एल्विश ने कहा कि यार देख, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं अपना प्यार ना किसी एक ही बंदी के साथ शेयर कर सकता हूँ, और बाहर जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ ना, जिससे अटैच हूँ मैं उसके प्रति पूरी 100% लॉयल हूँ, और मेरा 100% जो प्यार है वो उस बंदी के लिए रहेगा। खैर दोस्तों अब इनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा है मनीषा को लेकर। हालांकि इस मुद्दे पर आज रात को बात जरूर होगी क्योंकि इनको खाना खाना था, जिसकी वजह से ये बीच में ही इस बात को छोड़ गए थे, और इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर खुलकर बातचीत होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर हकीकत क्या है, कौन किससे प्यार करता है। फिलहाल दोस्तों आपको पर्सनली क्या फील होता है, अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस की हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।